दूरसंचार विभाग की तरफ से सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसे में सिम खरीदने और बेचने वाले को नए नियम के बारे में मालूम होना चाहिए, वरना नियम उल्लंघन पर आपको जुर्माने के साथ साथ जेल जाना भी पड़ सकता है। केंद्र सरकार अब फर्जी सिम कार्ड से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए सख्त हो गई है। ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने नए सिम कार्ड नियम जारी किए हैं। दरअसल इन नियमों को 1 अक्टूबर 2023 से लागू होना था, लेकिन सरकार की तरफ से 2 माह का अतिरिक्त समय दिया गया था। ऐसे में अब नए नियमों को 1 दिसंबर 2023 से लागू किया जा रहा है। नए नियमों के तहत सिम कार्ड बेचने वालों को सिम कार्ड खरीदने वाले व्यक्ति की सही से केवाईसी करनी होगी। सरकार ने सिम कार्ड खरीदने और बेचने वाले को एक साथ ज्यादा सिम लेने पर प्रतिबंध लगाया है, मतलब यूजर्स एक साथ कई सिम कार्ड इशू नहीं करा पाएंगे। साथ ही एक आईडी पर एक सीमित संख्या में सिम कार्ड इशू किए जाएंगे। नियमों के तहत सभी सिम विक्रेता यानी कि पॉइंट ऑफ सेल को 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इन सभी नियमों के उल्लंघन पर 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही जेल तक जाना पड़ सकता है। दरअसल ऐसी रिपोर्ट मिल रही थी कि सिम कार्ड विक्रेता बिना उचित वेरिफिकेशन और जांच के नए सिम कार्ड इशू कर रहे हैं, जो फ्रॉड की वजह बन रही है। ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई फर्जी सिम कार्ड बेचता पाया जाता है तो उसे 3 साल के लिए जेल जाना होगा, साथ ही उसके लाइसेंस को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। मौजूदा वक्त में भारत में करीब 10 लाख सिम कार्ड विक्रेता हैं, इनमें से ज्यादा बल्क में कंपनी और अन्य संस्थानों को सिम कार्ड इशू करते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।